देखिएगा प्रश्न संख्या 6 क्या है विद्यार्थी जी, A8 16 है ना, इसको आपको बदलना है किसमें, तो बाइनरी में। देखिए 16 का मतलब होता है विद्यार्थी जी एक के लिए 4 बाइट होनी चाहिए, 4 बिट होनी चाहिए, है ना। तो 4 बिट लिखने का तरीका 8 लिखने के तरीके होंगे, ध्यान दीजिएगा 1 2 4 8। देखिए इसी को 8 हम लोग बोलते हैं, देख लीजिए अगर बाइनरी पढ़े होंगे तो 8 आया कि नहीं आया, है ना। 8 के आधा 4 0, 4 के आधा 2 0, 2 के लिए 1 0, 8 आ गया। इसको A को हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी जी 10। अब 10 कैसे लिखेंगे तो आप लोग भी जानते हैं, 10 के आधा 5, 5 के आधा 2 शेषफल 1, 2 के लिए विद्यार्थी जी, यही हो गया बाइनरी में विद्यार्थी जी। एक अंक के लिए 4 अंक, तो आप लोग देख लीजिए 1 0 1 0 1 पर 000, 1 0 1 0 1 पर 000, अर्थात आपका आंसर बी 1 4 2 base 8। निकालना है आप लोग को विद्यार्थी जी हेक्साडेसिमल। सीखिएगा इसका तरीका, बस इतना है कि इसको बाइनरी में बदल दीजिए। बाइनरी में एक लेटर एक बिट के लिए 3 बिट होते, इसको लिखेंगे ध्यान दीजिए 0 1 2 के लिए हो गया 3 अंक हो, 4 कैसे लिखेंगे 0 0 1, इसको 4 पढ़ेंगे, 1 के लिए तो 1 है, इसके बगल में 2 0 लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा 2 को मैंने इसको 2 पढ़ा है, देख जानते होंगे, इसको हम लोगों ने कहा 4 पढ़ा है, इसको हम लोग कितना पढ़ते हैं 1, हर एक डिजिट के लिए 3 लिखना है विद्यार्थी जी 3 डिजिट। इतना तो आप लोग सीख गए, किसमें आ गया भाई बाइनरी में आ गया। अब जब ये बाइनरी में आ गया तो इसको ऑक्टल में लिखना आप लोगों को सिखा, हेक्साडेसिमल में लिखना सिखा चुके हैं। 4 अंक के लिए 1 अंक होता है, तो देखिएगा यहां से यहां के लिए 1 अंक, यहां से यहां के लिए। अब सीखिए 1 2 4 8, ये सब तो 0 हो गया नहीं 2 आ गया, 1 2 4 ये तो 0 हो गया नहीं 6 आ गया, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी जी 62 base 16, आपका आंसर डी। अब अर्थात आप लोगों ने सीखा क्या, आप लोगों ने सीखा क्या भाई जी, कुछ भी रहे उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। अब बाइनरी से जिसमें चाहिएगा बनाना बिल्कुल आसान है, तो सबको किस में लाइएगा, बाइनरी में लाइएगा, है ना। आपकी कंप्यूटर की भाषा भी बाइनरी ही है, आपको मैंने आज कंप्यूटर बना दिया, आप कंप्यूटर की भाषा पढ़ना, क्या करना भाई सबको बाइनरी में बदल लेना। चलो हम चेक कर देते हैं सही है या गलत है, सीखिएगा। हम लोग सबको डेसिमल में सोचते हैं कितना हुआ, 1 8 64, यही ना होता है विद्यार्थी जी ऑक्टल में। चलिए 64 × 1 का मतलब 64, 8 4 32, 2 1 2, अर्थात इसको हम लोग 98 पढ़ेंगे। नहीं, यहां भी देखिए 1 2 4 8 16 32 64, केयर कीजिए, 0 के सामने वाले सब खत्म, 64 32 96 2 98, देखिए 98 पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे डेसिमल में। यहां भी देखिए 1 है 16 है, अब गुना होता है ना 16 गुना, जैसे ही बाएं की ओर जाता है 16 गुना हो जाता है, क्योंकि बेस 16 पे आधारित है, तो 16 6 96 2 98, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अर्थात हम लोगों ने कहा क्या, रास्ता हम लोगों ने तैयार किया कि कुछ भी रहे उसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ऑक्टल रहे चाहे हेक्साडेसिमल रहे जिसमें चाहिएगा आपका आंसर देना बिल्कुल आसान हो गया। तो चलिए आशा करते हैं अब आप लोग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, सीखिएगा क्लियर कीजिएगा 1 0 0 3
ऑक्टल में है विद्यार्थी जी, इसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। बोलिएगा सर डेसिमल में बदल के हेक्साडेसिमल में नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने कहा बाइनरी में बदलना आसान होता है। तो चलिए आठ के लिए एक अंक के लिए तीन अंक होता है विद्यार्थी जी, पता होगा। तो तीन कैसे लिखेंगे सीखिएगा, वन जीरो तीन होता है विद्यार्थी जी, वन वन को तीन पढ़ते, लेकिन तीन डिजिट होनी चाहिए। इस जीरो के लिए भी विद्यार्थी जी तीन डिजिट, इस जीरो के लिए भी तीन डिजिट, अभी वन तो लिखेंगे, इसके बाद जीरो लिखे चाहे ना लिखे। देखिएगा इसके लिए तीन तीन हो गया ये विद्यार्थी जी, ये देखिएगा ये जीरो हो गया, ये भी देखिएगा जीरो हो गया, और ये क्या हो गया एक हो गया। बोलिएगा ये तीन डिजिट तीन बाइट हुआ नहीं, तो मैंने कहा इसके लेफ्ट साइड जीरो लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आशा करें आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने बाइनरी में लिखा, बाइनरी में लिख दिया। अब बाइनरी से विद्यार्थी जी हेक्साडेसिमल में लिखना बिल्कुल आसान है। चार बाइट के लिए एक बाइट होता है, तो चार चार का पेयर लगाइएगा लेफ्ट साइड से, चार चार का पेयर लगाइएगा, जो बचेगा इधर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे थ्री, इसको हम लोग पढ़ेंगे जीरो, इसको हम लोग पढ़ेंगे दो, अर्थात आ गया 203 विद्यार्थी जी, 203। देखिए कहीं होगा, अतः आपका आंसर विद्यार्थी जी डी 203। फिर भी मन में कोई बात आ रही है तो बस पूछ लीजिएगा, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। सीख चुके होंगे, चलिए चेक करने की बात है, चेक भी कर सकते हैं। देखिएगा एक आठ चौसठ 512, जानते होंगे ना आठ गुना होते जाता, ऑक्टल है तो आठ गुना होते जाएगा, एक आठ अठेटी चौसठ, चौसठ गुने आठ 512। अभी सब तो विद्यार्थी जी जीरो हो गया, अब खुद बोलिए 512 और तीन 515 होगा, डेसिमल में इसका मान 515 होगा। यहां भी देख सकते हैं 515 आएगा, एक दो चार आठ 16 32 64 128 256 512। अब ध्यान दीजिए सब तो जीरो वाले सब खत्म हो जाते हैं, तो 512 दो 14 एक 15, देखिए 515 आ रहे हैं कि नहीं। यहां भी देखिए एक 16 16 का 16 गुना 256 है ना, अब गुना करिएगा विद्यार्थी जी तो समाप्त हो जाएगा, 256 गुने दो 512, अब प्लस 3 गुने एक 3, देखिए 515। अर्थात हम लोगों के आंसर में कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आपको समझा दिए विद्यार्थी, केयर कीजिएगा। मैंने आप लोगों को ये कहा विद्यार्थी जी तीन है बाइनरी में लिखो, बाइनरी में कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, है ना, जीरो के लिए तो समझ ही रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चार बाइट के लिए एक बाइट होता है तो इसको तो तीन ही पढ़ेंगे, अर्थात लास्ट डिजिट तीन होना चाहिए, लास्ट डिजिट तीन एक ही गो में है ही, आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। इतना आसानी से सीख चुके हैं, उसके बाद भी कहते हैं ऑप्शन से, तो ऑप्शन खुद बनाइए, इसका बाइनरी कैसे, तीन का बाइनरी कैसे होगा, तो बोलिएगा डबल वन होता है सर, तीन अंक हो गया। अब इसके लिए भी तो जीरो के लिए भी तो चार तीन वो होगा, लेकिन मुझे पहला डिजिट होता है 16 में हेक्साडेसिमल में चार बाइट, तो इसको हम लोग एक दो चार आठ करेंगे तो तीन ही रह जाएगा, तो अंत में तीन होना चाहिए, तो अंत में तीन एक ही गो में है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सीखने आए तो पहले सीखो, सीखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, वन वन जीरो वन पॉइंट जीरो वन, यह है विद्यार्थी जी बाइनरी में। इसको हमको किस में बदलना है भाई, तो हमें बदलना है डेसिमल में। सीखिएगा, सिखाए भी थे, फिर से समझना है, सीखना है, ध्यान देना है, बाइनरी में बदलने आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा। तो पहले तो इसको हम लोग जानते हैं एक दो चार आठ होता है, तो आठ चार बारह एक तेरह दशमलव। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिएगा राइट से लेफ्ट आते, इधर लेफ्ट से राइट जाना होगा विद्यार्थी जी, तो कैसे सीखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहां भाई यहां दो
एक दो पे पावर एक, दो पे पावर दो, दो पे पावर तीन से होता है। यहां क्या होता है ना, यहां इसका होता है वन बाय टू से गुना, वन बाय फोर से गुना। तो इसको जीरो को अगर वन बाय टू से गुना करेंगे, एक को अगर वन बाय फोर से गुना करेंगे, ये तो खत्म हो गया, सिर्फ वन बाय फोर। वन बाय फोर का मतलब कितना हो जाएगा, टू फाइव। अर्थात आंसर बोल सकते हैं 13.25। आप आंसर दे दीजिएगा विद्यार्थी जी, आ सकते आपको समझ में आएगा। इधर देखिएगा, दो से गुना दो के रूप में जाता है, इधर वन बाय टू के रूप में जाता है। एक वटा दो से गुना, एक वटा चार से गुना, एक वटा आठ से गुना, एक वटा सोलह से गुना, ऐसा जाता है। अब इसी को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फास्ट करने की तरीके सीखिएगा। दशमलव में दिक्कत है, इधर तो है नहीं दिक्कत, इसलिए दशमलव को सिखाते। ध्यान दीजिएगा तरीका क्या है दशमलव के लिए। पहले 0.5 लिखेगा, फिर इसका दो पांच गुना, 2.5। दशमलव भी पांच से गुना करते जाइए, दशमलव भी एक अंक बढ़ाते जाइए। फिर करिएगा 125, फिर करिएगा 625, लेकिन दशमलव एक अंक बढ़ते जाएगा, एक केयर कीजिएगा। पहले एक अंक दशमलव, फिर दो अंक, फिर तीन अंक, फिर चार अंक, ऐसे होते हैं। लेकिन मुझे दो अंक तक जाना है तो दो ही अंक तक चलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब पहला तो जीरो से मल्टीप्लाई है, तो हो गया जीरो, आई एक से, तो देखिए कितना बच गया 0.25। तो आशा करते इसका आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा, 13.25। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।